शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। दुकानों के ताले व फॉल सीलिंग तोड़कर दुकान में चोरी की वारदात के बाद अब शहर में महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। इस गिरोह ने दिन दहाड़े गांधीनगर थाने के चंद कदमों की दूरी पर ही स्थित एक ज्वेलरी शॉप में 1.5 लाख के सोने के सामान पर हाथ साफ कर रफूचक्कर हो गए। दुकान में हुई चोरी का अंदेशा जब तक दुकानदार को लगता, तब तक गिरोह की महिलाएं दुकानदार की आंख से ओझल हो चुकी थी। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां गांधीनगर के साई मंदिर के पास स्थित सोनी ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार में आज दोपहर 3 महिलाएं सोने का सामान खरीदने पहुंची थी। दुकान संचालक महिलाओं को सोने का सामान दिखा ही रहा था कि तभी ग्राहकों का एक अन्य सदस्य युवक वहां पहुंचा और दुकान संचालक के बेटे को उलझाए रखा। महिलाओं ने सोने का सामान को देखते ही देखते उन पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान सामान कम होने की आशंका पर दुकान संचालक ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। लगभग 1.5 लाख के सोने के सामान पर महिला चोर गिरोह ने हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद दुकान संचालक ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल गांधीनगर थाने को दी गई। जेवर का दुकान है मेरा, सोनी ज्वेलर्स दुकान है मेरा, गांधीनगर साईं मंदिर मोड़ पर दुकान है मेरा। आज हमारे दुकान में 3 लेडीज लोग आए और 6-7 सामान चुरा के चले गए। कैसे कैसे लोग आए थे? 3 महिला लोग आए थे? हाँ, 3 महिला लोग आए थे। कैसे कैसे वारदात हुई अंजाम दिए? पापा जैसे पिताजी यहाँ पर बैठते हैं तो पिताजी जैसे दिखाते गए तोलने के लिए दिए, तो लोग चुराते गए। पीछे तीन लेडीज थी, पीछे सामान रखते गए उन लोग। बाद में फिर हमको शक हुआ तो कैमरा में देखे तो उसमें सब दिखा कि 6-7 सामान चुरा के चली गई हम लोग। कितने लोग थे और कौन कौन आए थे? 3 लेडीज थे और एक लड़का भी था। कुल कितने का सामान चोरी हुआ? लमसम 1.5 से 2 लाख। क्या चाहते हैं कि भाई सामान मिल जाए, थाना से कंप्लेन तो किए हैं, FIR दर्ज कराए हैं, मिल जाए तो अच्छा है। थाना यहाँ से कितने दूर है? बस बगल में है, यानी 1/2 किलोमीटर। उसके बाद भी इस तरह से घटना हो रही है, अपने आप सुरक्षित मान रहे हैं कि नहीं आप लोग? कहाँ, जब मिल ही नहीं रहा तो सुरक्षित कहाँ हूँ। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CSP सहित गांधीनगर पुलिस अमला महिला चोर गिरोह की तलाश में निकल पड़ा। अंबिकापुर से जाने वाले मार्गों एवं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सभी जगहों पर पुलिस ने महिला चोर की तलाश की, मगर पुलिस के हाथ खाली रहे। वहीं पुलिस पूरे मामले के हर पहलू पर जांच कर रही है। साथ ही दुकान में लगे और घटना में कैद हुए CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस महिला गिरोह के लोगों को ढूंढने में दमखम लगा दी है और जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा कि एक और शहर में हो रहे सिलसिलेवार चोरियों के आरोपियों को पुलिस अभी पकड़ भी नहीं पाई थी, तो वहीं अब पुलिस के लिए एक और चुनौती महिला चोर गिरोह खड़ी हो गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला दोपहर को हमको लगभग 3 से 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में साई मंदिर जाने वाले रास्ते में एक सोनी ज्वेलर्स की दुकान है, वहां पर 3 महिलाएं आई हैं और वहां पर से उठाईगिरी करके भाग गई हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है और हमने जो भी संभावित स्थान में जहाँ पर वो जा सकते हैं, भाग सकते हैं, वहाँ पर भी हमने दबिश दी है, नाकाबंदी भी की है और इसमें अभी हम उनकी पता तलाश लगातार की जा रही है। इसमें जो उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आए हैं और उनसे गहने दिखाने के नाम से उन्हें बोला और कुछ उनके द्वारा कुछ खरीदा भी गया है और इस बीच हाथ की सफाई दिखाते हुए कुछ जो लॉकेट्स वगैरह उन्होंने उठाए हैं और CCTV फुटेज इसमें सामने आया है, जिसकी अभी जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है और इसमें निश्चित रूप से जैसा भी आगे क्लू मिलता है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक की स्थिति में 2-3 लॉकेट उन्होंने बताए हैं और उसे अभी पूछताछ की जा रही है। लगभग 1-1.25 लाख के आसपास का सामान हो सकता है।